बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से 12,000 से अधिक वोट लेकर महागठबंधन का खेल खराब कर दिया था, कुछ वैसा ही काम वे गुजरात में भी करने जा रहे हैं। अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के मुस्लिम वोट्स को अपना मानकर चुनावी गोटियां चल रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि नए खिलाड़ी ओवैसी और बीजेपी ने इस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है। और ये खबर अरविंद केजरीवाल से लेकर सोनिया गांधी तक सबकी नींद उड़ाने वाली है। गुजरात की करीब 117 सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 10% से अधिक है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स का असर चुनावी नतीजों पर ज्यादा पड़ता रहा है। कांग्रेस अब तक इन वोटर्स के सहारे मुकाबले में होती थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा खेल हो चुका है। अब तक करीब 80% मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस के खाते में जाता था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान यही वोटर्स पहुंचाने वाले हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और मुसलमानों के बीच बढ़ती बीजेपी की पैठ ने गुजरात में करीब आधे मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस से छीन लिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार 42-47% ही मुस्लिम वोट्स मिलेंगे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जिसे करीब 20-25% तक मुस्लिम वोट्स मिलने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी को करीब 19% मुस्लिम वोट्स मिलने वाले हैं। बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोट्स का प्रतिशत काफी चौंकाने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में, पसमांदा मुस्लिमों के मुद्दे को उठाने का फैसला किया। इसका असर जब दिखेगा तब, लेकिन गुजरात के नतीजों का असर पूरे देश में दिखेगा। इससे भी बड़ी बात ये कि खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार कहने वाले ओवैसी को अधिक सफलता मिलती नहीं दिख रही है। करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही AIMIM को 9% मुस्लिम वोट दे सकते हैं, लेकिन सर्वे की बड़ी बात यह है कि इन 9% वोट्स के सहारे ओवैसी अपनी सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेल को बिहार की तर्ज पर खराब करेंगे। यही वजह है कि गुजरात के करीब 45% लोग ओवैसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।